अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पौधी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज जो है वो हम बात करेंगे फेमोवा सैशे के ऊपर, वीवोमा सैशे जो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास पैकेट में मिलते हैं, तो इसके अंदर से सैशे अवेलेबल हैं और ये कैप्सूल और टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अब जो है वो हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स यानी कि इन्ग्रीडियंट्स के ऊपर। सबसे पहले इसके अंदर मायोइनोसिटॉल होता है, डी कायरोइनोसिटॉल होता है एंड कॉट्रीफॉलिक होता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, फंक्शन इसके देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो इम्प्रूव करता है हमारे पास ओवरीज का, वेमेन के अंदर जिनके अंदर जिनको PCOS होता है। इसके अंदर ये क्या करता है, लो करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को, और आपके पास टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसके लेवल्स को बॉडी के अंदर कम करता है। और इसके अंदर जो फॉलिक एसिड मौजूद है वो आपके पास रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और आपके पास ट्रीट करता है एनीमिया के अंदर। और दूसरी चीज़ ये इनफर्टिलिटी को जो है वो ख़त्म करता है और फर्टिलिटी के चांसेस ये बढ़ाता है। अब बात करते हैं कंडीशन क्या क्या कंडीशन होती है जिसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं PCO। PCO की वजह से जो है आपके पास जो है वो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये डेवलप होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो है वो एक फॉर्मेशन भी सही नहीं हो रही होती, एवरीज में अंदर सिस्ट बन जाती हैं, हेयर सेटिज्म के मसाइल आ जाते हैं, एक्नी के मसाइल आ जाते हैं, वेट गेन के इशूज़ आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं खवातीन के अंदर। और खवातीन के अंदर जो है वो हमल नहीं ठहरता है, तो इन सब को ख़त्म करने के लिए जो है ये सैशे जो है वो बहुत अच्छे हैं। और आपकी जो है वो ओवरीज़ को ये हेल्दी करते हैं, आपके एग्स को हेल्दी करते हैं, ठीक है, एग्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और दूसरे रेगुलर पीरियड्स मैंने बता दिए जिनके अंदर है, ओव्यूलेशन के जिनके अंदर मसाइल है उनके अंदर भी हेल्प करती है, इनफर्टिलिटी को भी ख़त्म करती है। और PCOS के अंदर ये भी हो रहा होता है कि बार बार जो है वो मिसकैरेजेस के जो है वो चांस हो रहे होते हैं कि मिसकैरेजेस बहुत हो रहे होते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तो इसको भी ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। हाउ टू यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हमें एक सैशे जो है वो हमें खाने के बाद लेना है रोज़, ठीक है, 6 मंथ तक जो है वो रेगुलरली आप ले सकते हैं इसे। जिनको नहीं यूज़ करना चाहिए प्रोलॉन्ग यूजिंग, देखा गया है कि डायबिटीज़ वालों के अंदर जो है वो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो फेमोवा सैशे जो था वो बहुत अच्छा है फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, इसको यूज़ करके जो है वो फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।